नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ खुशहाल और मस्त होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। डियर, आज हम बात करेंगे टॉप 13 महत्वपूर्ण हिंदी का। ये पेडोगोजी का एक प्रैक्टिस सेट है जो कि सीटेट के लिए तो रामबाण साबित होगा ही होगा, साथ ही सुपर टेट का जो सिलेबस है इस बार का वो पेडोगोजी बेस्ड आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी क्या ये वीडियो रामबाण साबित होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डियर, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, लगभग 2 साल के बच्चों के जो तार वाली भाषा है टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं, तार वाली भाषा का क्या अर्थ है? 2 साल के बच्चे की बात कर रहा है, तो तार वाली जो भाषा का अर्थ है क्या तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग है, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग है, या संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, या मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि को शब्दों वाली अभिव्यक्ति है? डियर, तो जो तार वाली टेलीग्राफिक स्पीच है डियर, वो मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि वाली अभिव्यक्ति है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं? कहानी कथन, श्रुतलेख, कविता पाठ, भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और समाचार वाचन, या भूमिका निर्वाह और बातचीत करना? तो सुनना बोलना कौशल विकास की बात आई है डियर, तो सुनना बोलना में जो है वो भूमिका निर्वाह और बातचीत करना एकदम इफेक्टिव होगा डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? निगेटिव की बात की गई है। क्या विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना? बिल्कुल सही है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, बिल्कुल सही है। भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, यही गलत है, क्योंकि जो भाषा का आलंकारिक प्रयोग है वो हम बच्चे में प्राथमिक स्तर पर नहीं करते, बल्कि ये जो है माध्यमिक या उच्चतम स्तर की बात पूछी गई है, क्योंकि अलंकार जो है ये प्राथमिक लेवल में हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, या उपर्युक्त सभी? तो उपचारात्मक जो कार्य होता है यह निदानात्मक के बारे होता है। निदानात्मक में हम जो है कमियों का जो कारण है, जो उसके तथ्य हैं, उनको ढूंढते हैं और फिर उपचार करके उनका निदान कर देते हैं डियर। तो उपचारात्मक शिक्षण के ये तीनों ही उद्देश्य बिल्कुल सही हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अति लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, या निबंधात्मक, या ये सभी? तो आजकल आप देख रहे हैं कि एग्जाम के पैटर्न केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर बल दे रहा है, इसलिए जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को निःसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, विषयानुकूल या प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना, या उपर्युक्त सभी? तो इसके तीनों ही बातें एकदम सही हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चे भाषा की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है? एलम एस वाइगोत्स्की का, इयाम पावलाव का, नोम चोमस्की का, या जीन पियाजे का? तो बच्चों के जो भाषा विकास के क्षेत्र में अग्रगण्य माने जाते हैं वो नोम चोमस्की हैं। इन्होंने कहा था कि बालक में भाषा क्या है, वो जन्म से ही जो है अपनी भाषा को लेकर आता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एलम वाइगोत्स्की है। आपको बता दें सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के जनक माने जाते हैं, इन्होंने समाज पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। और इवान पावलाव, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये जो है एक शिक्षण अधिगम सिद्धांत दिए थे, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं, और इसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जीन पियाजे, आपको पता है ये संज्ञानात्मक विकास के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ बताई थी डियर, जो कि स्विट्जरलैंड के थे, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? क्या व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, या भाषा की समझ ना होना? तो मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, शर्मिला का जो ये भाषा प्रयोग है डियर, ये नियमों का अति सामान्यीकरण की ओर जो है संकेत कर रहा है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
रेशमा एक 7 साल पहले जो 1 साल पहले असम से पंजाब आई, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती हैं। एक शिक्षक के रूप में आप इस कथन को सही मानेंगे? रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे? उसे भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना चाहिए। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्दों का बोलने का अभ्यास करना चाहिए। उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो रेशमा असम से पंजाब आई है डियर, तो उसे आप भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर दीजिए। वो अपने जो अवसर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेगी तो वो सब त्रुटियाँ अपने आप खुद म खुद सही कर लेगी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन या आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो आपको बता दें अधूरी कहानी को पूरा करना ये नवीनता का जो है परिचायक है, यानी कि अपसारी चिंतन को जो है एबिलिटी को प्रोड्यूस करता है, तो सही है। कविता कहानी का सृजनात्मकता आपको पता ही है पहले से इफेक्टिव है। आंखों देखी वर्णन यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान को जब आप लिख रहे हैं तो ये और अच्छा है। तो इसका जो कम महत्वपूर्ण है यह प्रतिलिपि होगा, ए ऑप्शन। अब प्रतिलिपि क्या है, तो आप एक तरीके क्या इसको फोटो को स्टेट या फोटो कॉपी कह सकते हैं, नकल कह सकते हैं कि किसी दूसरे कॉपी से उतार कर दूसरी कॉपी में जो हम लिख लेते हैं वही क्या आप प्रतिलिपि कहलाती है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चे त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो भाषा सीखने में जो त्रुटियां हैं डियर, वो बच्चे की प्रक्रिया का क्या सीखने की स्वाभाविक हिस्सा है और वो समय के साथ दूर होने लगती हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान तेज गति से पढ़ना या संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करके पढ़ना। तो पढ़ने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जिंदगी जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो जीवन को जिंदगी अगर कह गया तो वो क्या वो अक्षर पहचान की बजाय क्या अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है डियर, क्योंकि जीवन का अर्थ जिंदगी होता है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है, सुनीता का उद्देश्य क्या है? अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनीता जो है कक्षा को बाहर ले जा रही है तो वो मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर दे रही है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि जब आप वातावरण से जोड़ते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा समझाते हैं तो बालक को उस चीज़ों को जल्दी से वो अपने अंदर क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है, तो ये डियर स्वरागम है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात को बढ़ा दिया जाए जहां तो बढ़ा का लिख, जैसे नरेंद्र को नरेंद्र लिख रहे हैं तो क्या ये स्वरागम है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए एक छोटा सा पैरा देख लेते हैं। हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिन कर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। तो ये कुछ प्रश्न पैरा से रिलेट करेंगे, तो आइए जानते हैं। कवि ने अपनी असफलताओं पर विजय कैसे पाई, तो कैसे पाई है निरंतर संघर्ष करके, बताया है ना ऑप्शन में, निरंतर संघर्ष करके कवि ने अपनी असफलताओं पर विजय प्राप्त कर ली है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किनारे तक आकर डूबने का अर्थ क्या है, काम तमाम होना, प्रयत्न व्यर्थ जाना, असफलता के समीप होकर सफल ना होना, या हार जाना। तो किनारे तक आकर डूबने का अर्थ है सफलता के समीप होकर भी क्या सफल ना होना, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है, तो कवि जो सूर्य का उदाहरण है देकर वो बताना चाहता है कि संसार में सुखों का क्या प्रकाश फैलाइए चारों ओर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे टॉप 13 महत्वपूर्ण हिंदी पैडागोजी बेस्ड आधारित प्रश्न, जो कि सीटेट के लिए तो रामबाण है ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो आगामी शिक्षक भर्ती आएगी उसके लिए भी ये प्रश्न क्या एकदम जो है दमदार साबित होंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जो है इसको शेयर करें।
मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।